तो सडन चेंज के लिए जो भी कंडीशन है वो आपको इस सर्किट में अप्लाई करने पड़ेंगे तो चलो हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं सो एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस क्या हो जाएगा सो एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस क्या हो जाएगा स्विच पोजिशन वन पे है तो ये सब मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है ये जो पार्ट है टू ओहम और फोर्टी वोल्ट ये सर्किट में कनेक्टेड ही नहीं रहेगा सो आई एम रिमूविंग दैट पार्ट ये जो करंट है इसको हम लोग को नाम देना पड़ेगा आई ऑफ जीरो माइनस और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या हो जाता है इंडक्टर हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट सो यू हैव टू रिप्लेस इंडक्टर बाय शॉर्ट सर्किट और ये स्विच आपको पोजिशन वन पे कनेक्ट करना पड़ेगा चलो ये मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो स्विच मैंने इधर कनेक्ट कर दिया है आई जीरो माइनस है और इधर ये इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट है एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस सर्किट सो आई जीरो माइनस इज नथिंग बट ट्वेंटी फाइव बाई फाइव एंड इट टर्न्स आउट टू बी फाइव एमपियर तो ये तो हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया एट t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा तो आपका स्विच हो जाएगा पोजीशन टू पे तो आपको ये 5 ओम और 25 वोल्ट ये सर्किट में नहीं रखने का है सो यू हैव टू रिमूव दैट पार्ट सो ये पार्ट मैंने इधर रिमूव कर दिया है फॉर सडन चेंज इंडक्टर कैसे एक्ट होता है सो इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट और ये ओपन सर्किट हो जाता है बट कैन यू चेंज द करंट टू द इंडक्टर सडनली नो सो वॉट यू हैव टू डू आपको इंडक्टर तो ओपन सर्किट दिखाने का है बट अक्रॉस इट यू हैव टू शो करंट सोर्स जिसका वैल्यू कितना है 5 एम्पियर जो हम लोग ने इधर कैलकुलेट किया है सो so कंडक्टर तो सॉरी इंडक्टर तो आपका ओपन सर्किट हो गया है एंड नाउ यू हैव अ करंट सोर्स ऑफ 5 एम्पियर ओवर हियर एंड दिस कनेक्टेड टू पोलूशन टू और ये करंट को हम लोग क्या नाम लेंगे आई जीरो प्लस सो आई जीरो प्लस आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं केवीएल लगाने की के जरूरत नहीं है यह डायरेक्टली सो हियर यूर टू राइट डाउन आई जीरो प्लस इज इक्वल टू फाइव एमपीयर यू कंट अपलाई केवीएल ओवर हियर बिकॉज इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दिसर इज अ करंट सोर्स सो आई जीरो प्लस इज इक्वल टू फाइव एमपियर अभी आपको लास्ट पार्ट में सर्किट को एनालाइज करने का है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर टी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सो so, पहले तो स्विच आपका पोजिशन टू पे है एंड इंडक्टर विल स्टार्ट शोइंग इट्स प्रॉपर्टी एंड यू हैव टू शो द करंट सोर्स अक्रॉस द इंडक्टर और ये कितना करंट सोर्स का वैल्यू था तो वो था आपका फाइव एमपियर और क्या मॉडिफिकेशन सर्किट में करने के हैं ऑफ कोर्स ये पोजीशन वन पे जो ये आपका फाइव ओम और ट्वेंटी फाइव वोल्ट सोर्स जो है ये अभी कनेक्टेड नहीं रहेगा एंड स्विच जो है वो पोजीशन टू पे आ गया है So we will do this modification. So इधर modify Now what you have to do? You have to apply KVL in this mesh. But before applying KVL, you need to assign the sign for the voltages across the elements. So I am starting at this point. So you will have 4t minus voltage drop across the resistors 2 i of t and now you have to write down the voltage drop across the inductor and it turns out to be L di by Dt. So 0.5 D i of T by Dt.

ये बताया है सो आई ऑफ टी इज द दोल्यूशन और उसका आप लिख सकते हैं Q बाई पी सो ए Q है और ये पी है पावर माइनस सो सो टाइम्स ऑफ इज टर्न आउट टू बी ट्वेंटी प्लस के ई टू द पावर माइनस फोर टी अभी आपको k फाइंड आउट करने का है सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू सब्सट्रीट्यूट इनिशियल वैल्यू ऑफ t सो फॉर टी इज इक्वल टू जीरो प्लस I zero plus कितना आया था? तो देखिए I zero plus तक का 5 ampere, so we can write down 5 ampere over here. The right hand side is 20, इधर से मैं कॉपी कर दूँ plus k e to the power zero and e to the power zero turns out to be one, so k का वैल्यू कितना आ गया? इधर आपका minus 15, okay? And now I will substitute this value over here, so I of t आपको मिल जाएगा 20 minus 15 into e to the power minus 4t ampere, and this is valid for